यह है बेटा, ये क्वेश्चंस नंबर फोर्थ बेटा सांभवी ने पूछा था हमसे कि क्वेश्चंस क्या है बेटा, देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। अ बॉडी स्टार्ट अ स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब एक बॉडी है, एक मतलब ऑब्जेक्ट है, लाइक जैसे हम ले लेते हैं बेटा और सरफेस है हॉरिजॉन्टल। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो स्लाइड कर रहा है बेटा, वेलोसिटी 0.5 इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये स्लाइड कर रहा है बेटा, ऐसे मूव कर रहा है। अब कह रहा है इसमें जो मूव कर रहा था इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सरफेस एंड ऑब्जेक्ट के बीच, जैसे हम हाथ में रब करते हैं बेटा तो बेटा इन बोथ के बीच में बेटा फ्रिक्शन फोर्स लगता है बेटा, इसी तरह यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट एंड सरफेस के बीच में। जो फ्रिक्शन फोर्स कह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो है बेटा वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने कहा, ठीक। कह रहा है आफ कितने टाइम बाद, हाउ मच टाइम विल ऑब्जेक्ट स्टॉप, ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ समय बाद जाकर यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया। जब स्टॉप हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, तो यही क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सारे पुट कर देते हैं, यूज कस टू 0.5 मीटर पर सेकेंड, वी कस टू 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सलरेशन आपका बेटा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपका एक्सलरेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, यह सबसे बड़ा, जहां पर फ्रिक्शन आ जाए फोर्स, जहां पर फ्रिक्शन लग जाए और फ्रिक्शन में उसने क्या क्या वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो यहां मतलब एक्सेलरेशन कैसा था, निगेटिव था। कैसा एक्सेलरेशन था, निगेटिव था। अब यहां पर हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमें टाइम निकालना है, तो ये सारी चीजें किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट क्या होती, विस्कस टू यू प्लस एटी, हमें टी निकालना है बेटा, तो ये हो जाएगा वी माइनस यू स्कस टू ए टी, तो बेटा टी स्कस टू हो जाएगा वी माइनस यू अपान ए। अब बेटा यहाँ पर टी स्कस टू वी माइनस यू अपान ए वैल्यू फॉर्मूला बन गया, इस पर आप वैल्यू पुट कर देते हैं, टी स्कस टू हो जाएगा बेटा, वी हमारे क्या है बेटा, जीरो माइनस 0.5 अपॉन माइनस 0.05 एक्सेलरेशन था। अब बेटा जीरो कोई वैल्यू नहीं, माइनस 0.5 अपॉन 0.05 माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा बेटा, ये बन गया बेटा, पॉइंट से पॉइंट कट किया, ये बन गया हमारा 50 अपॉन 5 कट कर देंगे 10 सेकेंड, कितना आया 10 सेकेंड आया, तो टाइम हमारा कितना आया 10 सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ था। इसके बाद इसी में जो हमने क्वेश्चंस दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा, भाव्या को बेटा इसमें कुछ कन्फ्यूजन था, उसको भी हम आगे लेकर चलते हैं, उनको कन्फ्यूजन क्या था सॉल्यूशंस देखते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, जीरो, अटेन अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन फाइव मिनट में, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो हमें फाइंड करना है कुछ सब्सटेंस, क्या क्या फाइंड करना है, कुछ पॉइंट है हमारे, पहला है द एक्सेलरेशन फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है बेटा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, द डिस्टेंस ट्रेवल
बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी वन अटेनिंग। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बेटा ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट, तो मतलब सॉल्यूशंस में आ जाए तो यू हमारे क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। हमने कहा ठीक, वेलोसिटी कह रहे हैं अटेन कर रहा था, कितनी वेलोसिटी, 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पहले बात, यहाँ पर हमें टाइम मिनट में दिए, यहाँ पर आवर में, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो मीट पर सेकेंड में। सो 72 × 5/18 ये हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक कोई दिक्कत नहीं, टाइम हमें यहाँ पर टी दिए हैं 5 मिनट में। अब मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में, तो 5 × 60 कितना आ गया, 300 सेकेंड। कितने 100 सेकेंड, 300 सेकेंड। अब पहला हमें क्या निकालना है, एक्सलरेशन। हमें टी दिए है, वी दिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन उठा के लगा दो, इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें फर्स्ट निकालना है एक्सलरेशन, तो इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें फाइंड आउट करना है ए। तो फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो हमें ए निकालना है, तो ये हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी। क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी। अब बेटा यहीं से बेटा आगे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं ए स्क्वायर टू, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है, वी स्क्वायर टू यू प्लस ए टी, तो हमारा ए स्क्वायर टू क्या हो गया, वी बेटा यू इधर आ जाएगा, तो वी माइनस यू, ए के साथ टी मल्टीप्लाई में है, तो हमें ए फाइंड करना है, तो टी इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। वी हमें क्या दिए बेटा, 20, यू कितना दिए हमें, 0/300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा ए स्क्वायर टू 20/300 0 से 0 कट गए, तो इससे यह आया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। इतना एक्सेलरेशन आने के बाद हमें फाइंड करना है बेटा आपका सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल, हमें एस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। तो एस के लिए हम सिंपल सा थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, ज़्यादा बेटर, क्योंकि वेलोसिटी भी मालूम है, एक्सेलरेशन भी मालूम है, हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, हमें केवल निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हमें v भी मालूम है, u भी मालूम है, a भी मालूम है, हमें s निकालना है। तो बेटा s इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्या हो जाएगा, 2a। वैल्यू पुट कर दें, 20 का स्क्वायर, v की वैल्यू 20, 0 का स्क्वायर 2 × 1/15 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने अभी क्या निकाला, 1/15 निकाला। अब बेटा ये हो जाएगा 400 × 2, डिवाइड कर देंगे बेटा तो 200 आ जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो बेटा एस इक्वल्स टू ये हो जाएगा 200 × 15 मीटर, एस इक्वल्स टू हो जाएगा 3000 मीटर और 3 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया दूसरे। तो ये हमारे जो हमने क्वेश्चन सेंड किए थे उनमें जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए आपके। अब हमारे आज जो हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स हैं कुछ बच्चों को, आज उन पे चलते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात किया, तो आपका पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ बच्चों को डाउट है, लाइक संभवी हैं, मुझे लग रहा है एक दो बच्चे और हैं जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे डाउट है उनको या नहीं आया। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी रिटन में होगा, मैं केवल यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप 20 किलोमीटर पर आवर।
मतलब आपका अब्दुल ड्राइव करके गया स्कूल बस को बेटा, कहीं पे जाना था, उसकी ट्रिप की जो एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड जो ट्रिप की थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप क्या था बेटा हमारा, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हमने कहा कोई बात नहीं 20 किलोमीटर पर आवर है, मान लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, मतलब जिस रूट से गया था उसी रूट से वापस आया है, दे आर द लेस ट्रॉफिक, कम ट्रॉफिक मिला। तो आपका जो एवरेज स्पीड थी उसकी होगी 30 किलोमीटर, ये बेटा जाने की, रिटर्न एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप 30 किलोमीटर पर आवर। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप, मतलब अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ होल ट्रिप, मतलब पूरी ट्रिप का हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर हमें डिस्टेंस तो दिए नहीं ना टोटल टाइम दिए, तो बेटा हम लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहां से आ जाता है, सॉल्यूशन लेट करते हैं टाइम, टाइम टी वन, टाइम टी वन है एंड एंड डिस्टेंस एक्स। डिस्टेंस क्या है बेटा, एक्स। और बेटा ध्यान से समझो डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस सेम है बेटा, जहां से गया वहीं पर। जैसे लाइक है बेटा ए पे बेटा स्टार्ट किया उसने जर्नी और उसकी इन पॉइंट बी था, बी तक पहुंचा, यहां से पहले गया तो बेटा एवरेज स्पीड उसकी 20 किलोमीटर पर आवर थी, फिर यहीं से फिर वापस ए में आया। अब जब वापस आ रहा था तब उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसने दोनों टाइम दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस हमारी एक्स, दोनों की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। बट टाइम दोनों का क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये 30 किलोमीटर पर आवर से आया, ये 20 किलोमीटर पर आवर से आया। तो हमने डिस्टेंस एक्स दे दी लेट टाइम पर, तो बेटा एवरेज स्पीड पहले वाली बन जाएगा। तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम टी वन। तो बेटा एवरेज स्पीड कितनी है हमारी 20 एक्स अपॉन टी वन, तो टी वन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन 20 हो गया। तो ये हमारा टाइम आ गया पहला। अब बेटा इफ टी टू इज, मतलब टाइम टू जो आप सेकेंड जर्नी मतलब रिटर्न वापस आए उसमें टाइम उसको टी टू लगा, इस टाइम टेकन टू रीच बैक, वापस आने में इतना टाइम। तो सिंपल से बेटा यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज स्पीड का, वही फॉर्मूला सेम है एवरेज स्पीड, क्योंकि एवरेज स्पीड दी हमें, तो बेटा एस अपॉन टी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर टाइम क्या है टी टू टाइम लिया रिटर्न पे, तो एवरेज स्पीड कितनी थी 30, डिस्टेंस हमने एक्स लेट की है क्योंकि सेम डिस्टेंस है ए से बी तक, बी से ए आएंगे तो डिस्टेंस सेम होगी, टाइम टी टू, तो टी टू टाइम इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन 30, एक्स अपॉन 30 हमारे पास टाइम आ गया। तब यहां से हम टोटल टाइम निकाल लें, एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स अपॉन 30, एलसीएम ले लेंगे तो बेटा 60 आ जाएगा। तो ये बेटा 3x, ये आपका 2x, तो बन जाएगा 5x अपॉन 60, ये आपका टाइम बन गया। तो 5 से इसको कट कर देंगे 12 टाइम जाएगा, तो x अपॉन 12 ये हमारा बन गया क्या टोटल टाइम, क्या बन गया टोटल टाइम। अब बेटा हम टोटल डिस्टेंस देखें जरा, टोटल डिस्टेंस देंगे तो पहले आपका अब्दुल ए से बी गया, मतलब एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर बी से ए आया,
फिर बेटा उसने x डिस्टेंस ट्रेवल की, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x प्लस x इक्वल्स टू 2x, कितनी हो जाएगी 2x। अब बेटा यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप, ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या थी, तो बेटा टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम टेकन x बाई 12, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 12 x मल्टी अपॉन x, x x कट गया तो कितना आ जाएगा बेटा 24 किलोमीटर पर आवर, ये आपका ट्रिप का हो गया, ये आपकी ट्रिप की एवरेज स्पीड आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ किसी ने पूछा, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, एक ड्राइवर एक कार को ले जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, अप्लाई द ब्रेक, अब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, कुछ अचानक आ गया होगा सामने, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्म इन द अपोजिट डायरेक्शंस, आप अपोजिट डायरेक्शंस में, आप अपोजिट डायरेक्शंस क्यों लिया बेटा, ध्यान समझ लेना, जो कार थी उसका जो मोशन होगा इस तरफ होगा, हमने मान लिया इस तरफ है, जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक आपकी अपोजिट डायरेक्शंस पे वर्क करती है, तभी गाड़ी आपकी स्टॉप होती है या उसकी स्पीड कम होती है, ये ध्यान रखना, तभी होती है कम, ऐसे नहीं होती है, क्योंकि आपका जब मोशन के अगेंस्ट बेटा कोई फोर्स काम करता है तब उसे निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो वही अपोजिट डायरेक्शंस बोला। तो जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हो, जैसे आप साइकिल चलाते हो तो बेटा आप फॉरवर्ड डायरेक्शंस पे जा रहे हो, तो जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक आपके अपोजिट डायरेक्शंस पे अप्लाई होती है, तभी आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप पैडल मारते हो तब वो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, इससे आपकी स्पीड बढ़ती है और वो उनकी बोथ की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होती है, जब आपका सेम डायरेक्शंस में बेटा फोर्स लगता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, जब अपोजिट डायरेक्शंस में मोशन के अपोजिट डायरेक्शंस पे फोर्स लगता है वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ये ध्यान रखना थोड़ा। तो यहाँ पर अपोजिट, द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड कार स्टॉप हो गया, हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, कह रहा अनादर ड्राइवर गोइंग 34 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरा ड्राइवर भी है वो 34 किलोमीटर से जा रहा है, एंड अप्लाई हिज ब्रेक, और अपनी ब्रेक को अप्लाई करता है स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में स्टॉप हो जाता है, हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं स्टॉप हो गया। अब कह रहा है ऑन द सेम ग्राफ प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में हमें प्लेस करना है फॉर द टू कार, विच ऑफ द कार ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड, मतलब ब्रेक से पहले कौन से जिसकी स्पीड ज़्यादा थी। अब बेटा आते हैं इसी पे चलते हैं, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर ये फिफ्थ है, फर्स्ट ड्राइवर की बात करें तो बेटा उसकी इनिशियल स्पीड थी 52 किलोमीटर पर आवर, किसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो 52 का सिंपल सा 5 बाई 18 डिवाइड करेंगे, जब इसको हम डिवाइड करके लाएंगे तो ये आएगा समथिंग 14.4 मीटर पर सेकेंड, अब डिवाइड आप कर लीजिएगा। एंड बेटा उसने क्या कहा बेटा कि कार स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कार स्टॉप हो जाए तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन निकालें तो कैसे आएगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी, वी आपका कितना है 0, वी कितना है माइनस 14.4 अपॉन टाइम कितना है 5 सेकेंड, जब डिवाइड करेंगे बेटा तो यह आएगा समथिंग माइनस 2.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आएगा माइनस 2.88 मीटर, माइनस ये शो कर रहा है कि यहाँ पर कैसा एक्सेलरेशन था
निगेटिव एक्सेलरेशन। कैसे एक्सेलरेशन वर्क कर रहा था? निगेटिव एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज निगेटिव। कैसा है? निगेटिव। अब बेटा सेकेंड ड्राइवर की बात करें, अब बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 34 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग बनेगा 9.4 मीटर पर सेकेंड। बेटा यहाँ पर जब मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में डिफरेंस है तो बेटा यहाँ पर सिंपल सा बनेगा कैसे, अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। 9.4 मीटर पर सेकेंड, तो अब बेटा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए क्योंकि स्टॉप होना है। टाइम आपका बेटा यहाँ पर 10 सेकेंड है, यहाँ पर 10 सेकेंड ले रही है स्टॉप होने पे। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? वी माइनस यू अपॉन टी। तो बेटा 0 - 9.4 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पर माइनस का 9.4 मीटर पर, सॉरी आपका बेटा माइनस का आ जाएगा 0.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलेशन आ जाएगा, वो भी एक्सेलेशन कैसा होगा? निगेटिव होगा क्योंकि निगेटिव साइन लगा है। तो रिट्रार्डेशन आएगा, मतलब ब्रेक अप्लाई कर रहा था बेटा, निगेटिव एक्सेलेशन ही होगा क्योंकि वेलोसिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, तो निगेटिव एक्सेलेशन बनाएगा। आप बेटा कह रहे हैं इसको हमें प्लॉट करना है किसमें? ग्राफ में। हम बिल्कुल ग्राफ प्लॉट कर देंगे। आप बेटा ग्राफ बना लेते हैं। ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारी वाई एक्सिस। अब बेटा हमारा वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है स्पीड को जो मीटर पर सेकेंड में है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टाइम को, ये हमारा जीरो है। अब बेटा यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्पीड को बेटा, अब बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। टाइम को देखते हैं बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। अब बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब बेटा कार फर्स्ट की बात करें तो स्पीड कितनी थी? 14.4, तो हम यहाँ पर 14.4 ले लिया, तो ये हमारा हो गया 14.4 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम? 5 बेटा, यहाँ 5 सेकेंड में बेटा आपकी स्टॉप हुई, तो हमारा स्लोप ये बन गया, एक स्लोप हमारा ये बन गया, ये हमारा बन गया कार फर्स्ट का। किसका है? कार फर्स्ट का। अभी हमने जो निकाला था स्पीड हमारी 14.4 निकली थी, टाइम कितना था? 5 सेकेंड। अब बेटा दूसरा देखें, आपका स्लोप की बात करें तो हमारी स्पीड थी 9.4, मतलब 10 यहाँ पर आएगा 9.4, और कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तब बेटा यहाँ से हमारा स्लोप बन जाएगा 10। ये हमारे कार सेकंड का है, यहाँ पे स्पीड थी 9.4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे टाइम 10 सेकंड। तो ये हमारा कार सेकंड का था, ये कार फर्स्ट का, इस तरह से हमारा स्लोप बन गया। तो हम यहाँ पे देखें बेटा जो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है S1, तो एरिया
ओ ए बी। अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो पहला हमारा जो एरिया कार रिप्रेजेंट कर रही है ओ, ये हमारा ओ होता है जहाँ से जीरो स्टार्ट होता है ओ, तो हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। जो हम कार फर्स्ट की बात करें तो कार फर्स्ट का हमारा ये बन रहा है एरिया, कौन सा, ए ओ बी। ए ओ बी, ए ओ बी का मतलब आपका ये बटा लेटर, ये वाला बेटा। तो हमारी डिस्टेंस हमारी ये ट्रेवल हो रही है ए ओ बी। तो एस वन इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ डिस्टेंस, हमारी कार के हम देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी तो बेटा सिंपल सा ए ओ बी हम लेंगे, तो बेटा क्या होता है बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस हमारा कितना है फाइव, मतलब बेस हमारा ओ बी, हाइट हमारी कितनी है बेटा हाफ ओ बी, एंड हमारी हाइट कितनी है 14 point, हाइट हमारी ओ ओ ए है, कितनी है ओ ए। तब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो एस वन इक्वल्स टू ओ बी हमारा है कितना 5, तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया, हाफ मल्टीप्लाई फाइव, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो ये बेटा ए ओ बी हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तब बेटा ओ बी की वैल्यू कितनी है 5 और ओ ए की वैल्यू हमारी 14.4, तो 14.4 meter। अब बेटा इसको हम इससे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.2, मल्टीप्लाई कर देंगे हम जब इनका तो ये आ जाएगा आपको 36 meter, कितना बन गया 36 meter बन गया। अब इसी तरह हम S2 सेकेंड कार का लें, कार सेकेंड का हम लें, तो बेटा उसका स्लोप कौन सा बन रहा है ध्यान से देखो ना बेटा, उसका स्लोप ये बेटा उसका स्लोप बन रहा है यहाँ से, ये बेटा ध्यान से देखेंगे ये बन रहा है, इसको हम C से रिप्रेजेंट कर दें, इसको हम D से बने। तो यहाँ पर ट्रायंगल क्या बनेगा सी ओ डी, हमारा ट्रायंगल क्या बनेगा सी ओ डी। जब हमने ग्राफ पढ़ाया था बताया था एरिया निकालते हैं, तो एरिया हमारा निकल रहा है। तो बेटा यहाँ से इतना इतना ट्रेवल किया तो एक आपका एरिया बनाया, इतनी आपकी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। तो एस टू इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, हमने कहा ठीक। अब बेटा फॉर्मूला क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस हमारा क्या है ओ डी, हाइट कितनी है हमारी ओ सी, हाफ ओ डी हमारा कितना है 10, मल्टीप्लाई ये कितना है 9.4, डिवाइड कर दें बेटा इसको तो ये आ जाएगा 4.7, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 47 meter। ये आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 विद ग्राफ आपका। ये आपका कंफ्यूज कर रहा होगा, हमने पहले क्या किया सिंपल से, इसमें हमने दोनों कार की बेटा स्पीड निकाल ली, हमने दोनों कार की क्या निकाल ली स्पीड निकाल ली और उनकी एक्सेलरेशन निकाल लिया, स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों कार के निकाल लिए। फिर हमने ग्राफ बनाया, हमने देखा 14.4 meter वो कितने सेकेंड में चला 5 seconds में बेटा, 5 seconds में उसको 14.4 seconds में पहुँचने में टाइम लगा या ब्रेक लगाया जीरो में पहुँचने के लिए। तो हमने इसको लाइन खींच दिया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना एरिया कवर करना पड़ा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, क्योंकि हमारी वेलोसिटी कहाँ पर थी यहाँ पर। जब उसने ब्रेक लगाया 5 seconds के बाद क्या हो गया वो वेलोसिटी उसकी क्या होगी जीरो। अब ये हमारा स्पीड वाला है तो स्पीड यहाँ पर क्या होगी जीरो होगी, बट टाइम कितना होगा 5 seconds, 5 seconds में वेलोसिटी क्या हो गई थी जीरो हो गई थी। तो हमारे उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल की तो मतलब इतना एरिया उसने क्या किया ट्रेवल किया, तो हमारा एस वन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी का। तो ए ओ बी में देखें बेटा आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस क्या है ओ बी और हाइट क्या हमारी ओ ए, तो हमने वैल्यू पुट कर दी और हमने निकाल लिया। इसी तरह सेकेंड कार में देखते हैं, आपकी 9.4 की स्पीड से चल रही थी बेटा, ब्रेक अप्लाई किया 10 seconds बाद वो किस में आ गई इस रेस्ट में आ गई, तो यहाँ पर आपकी कार क्या होगी जीरो में हो गई। तो हमारी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इतना एरिया उसने कार ने ट्रेवल किया, तो हमारा तो एस टू इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी ओ डी, हमने वैल्यू पुट की लगा दिया था 47 meter उसने ट्रेवल किया। ये आपका क्वेश्चन था नंबर 5।
अब बेटा किसी ने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 या 9 है, ये नहीं ध्यान है मुझे कौन सा है, बट एनसीईआरटी सर 10 नंबर भी किसी ने पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर टेन क्या है कि एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट मूविंग द सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब क्या है, एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट है अर्थ के ऑल अराउंड, ये अर्थ है उसके चारों ओर बेटा सेटेलाइट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सेटेलाइट ऑल अराउंड, रेडियस है हमारी 42250 किलोमीटर, मतलब आपका 42,250, मतलब 42,250 किलोमीटर इतनी उसकी है। एंड कह रहा है कैलकुलेट इट स्पीड, मतलब उसकी स्पीड कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर हम रेडियस हमारी है 42,250 किलोमीटर होने का, ठीक, कह रहा है कैलकुलेट इस स्पीड, हमें स्पीड कैलकुलेट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है, टेक 24 आवर, टाइम हमारा कितना है 24 आवर, हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, तो हमें स्पीड फाइंड करना है, हम फाइंड कर लेते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑन टाइम, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करें तो यहां पे सर्कुलर ऑर्बिट है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू 2πr, मतलब सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम, तो बेटा लगा देते फॉर्मूला 2 × 22/7 × 42250, टाइम कितना है 24, तो 7 नीचे आ जाएगा बेटा 42250/7 × 24, बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे 12 आ जाएगा, 12 6 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो अब बेटा 11 × 42250/7 × 6 ये आ जाएगा। अब बेटा इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, तो बेटा देखते हैं ये आपका 3 से डिवाइड होगा कि किससे डिवाइड होगा, 42 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 8 × 5 = 13 नहीं डिवाइड होगा, 7 × 42 = 02 ये भी नहीं। अब बेटा इसको हम 11 × 42250/42 इससे डिवाइड कर देते हैं, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बेटा 1.1 × 10⁴ किलोमीटर पर आवर, किसमें आएगा किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर है। यदि इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें, किसमें मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 1.1 × 10⁴ × 5/18, अब इससे हम करेंगे आपका, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका, लगभग आंसर आ जाएगा बेटा अप्रॉक्स लगभग 3.05 × 10³ मीटर/सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, यहाँ तक आपके क्वेश्चंस हो गए, और आपको और किसी भी टॉपिक में या किसी भी न्यूमेरिकल्स में डाउट हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में बेटा मुझे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, थैंक यू बेटा एंड गुड डे बेटा।